जो हर्षल वाराणसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है, आप लोग जरूर देख पा रहे होंगे, है ना। तो हर्षल वाराणसी से संबंधित चर्चा करेंगे आप सभी के लिए अंतिम 2 महीने। कितना समय बचा है? 2 महीने। अब आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ रिविजन करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर मेरे वीडियो में कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं छात्रावास के बारे में। तो छात्रावास अधीक्षक जो एग्ज़ाम होगा बहुत ही जल्द आपका अगस्त में होने की संभावना है, संभावित है। तो इसमें 100 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा जिसमें एग्जाम में कैसे पढ़ना और किस चीज़ को आपको फोकस करना है, इसकी क्वालिफिकेशन कैसे तैयारी करना है, आपको अंतिम 2 महीने में आपको किस चीज़ को पढ़ना है अधिकतर। तो आपके पास अब पढ़ने का समय नहीं है, बस रिविजन करने का समय है, प्रैक्टिस करने का समय है, मॉक टेस्ट देने का समय है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है जिसमें आपका कंप्यूटर के 30 नंबर के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेन फोकस क्या हो गया आपका? कंप्यूटर। सेकंड में बात करूँ मैथ्स का आपका 25 नंबर। तो 25 ना बुक में आपको भी बताऊंगा, ठीक है, बुक से कौन से बुक से पढ़ाई करना है, रिविजन कैसे करना है, मॉक टेस्ट कैसे देना है। तो मैं बात करूँ यहाँ पर कब सबसे में जिसमें आपको मॉक टेस्ट रहेगा, है ना, और आपका छात्रावास अधीक्षक में कंप्यूटर के 30 नंबर, मैथ्स का 25 नंबर, बाल मनोविज्ञान के 10 नंबर। कितना हो गया आपका? 30 और ये 25, कितना हो गया? 55 और 10 65, 65 नंबर आपको कवर हो गया। इसमें आपका करंट अफेयर ऐसे कुछ पढ़ लेना, छत्तीसगढ़ भारत का देश विदेश राष्ट्रीय खेल कूद से संबंधित 5 नंबर करंट अफेयर पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ का वेटेज है आपका 5 नंबर, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेन टॉपिक आपका कंप्यूटर, मैथ्स, बाल मनोविज्ञान और सामान्य अध्ययन 15 नंबर का, 5 नंबर इंग्लिश, 5 नंबर हिंदी, टोटल मिलाकर 100 नंबर। आपको वेटेज किसको देना है? मैथ्स को, कंप्यूटर को, बाल मनोविज्ञान और आपका सामान्य अध्ययन भारत का, ठीक। इन टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। सामान्य अध्ययन में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे टॉपिक है आपका। सिर्फ 15 नंबर पढ़ने के लिए उसमें आप कितने नंबर ला लोगे ज़्यादा से ज़्यादा? अब सामान्य अध्ययन में 15 में 4 नंबर आपका योग शिक्षा खेल से पूछा गया, मतलब 4 नंबर अलग से और पूछा गया योग एवं खेल शिक्षा विभाग से। तो सभी करके आपको 15 नंबर, ठीक। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर देखिए बाल मनोविज्ञान का 10 नंबर, योग एवं शिक्षा से 4 नंबर, टोटल 14 नंबर, ऐसे कुछ मिलाकर टोटल 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे हॉस्टल वार्ड में। समय आपका 2 घंटे का रहेगा। तो आपको मेन प्रैक्टिस करना है, मैथ्स में बना बना कर प्रैक्टिस कर कर आपको देखना है मैथ्स में। कंप्यूटर 30, बार बार रिविजन करो, जिस टॉपिक को पढ़ लियो उसको बार बार रिविजन करो, रिवाइज करो, दिमाग में रहेगा। ऑब्जेक्टिव देख कर नहीं आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़कर ही आंसर आपका आना चाहिए कि इसका आंसर ये होगा, मेन पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सक्सेस होगे। आसपास एक मैं आपको एक मोटिवेशन के लिए सारी बता रहा हूँ, ये अगर आपको अच्छा नहीं सकता, असफल लोगों के पास बैठा करो, असफल लोगों के पास बैठा करो, उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है, और अनुभव ही सबसे बड़ा सीख, अनुभव उनके पास अहंकार नहीं होता। असफल लोगों के पास बैठा करो, उसके पास अहंकार नहीं अनुभव है, और अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। जो लोग असफल हो जाते हैं, जो लोग एग्जाम देने में प्रयास नहीं हो पाते, उन विद्यार्थियों के पास जाकर एक बार बैठिएगा कि इसको कैसे पढ़ना है, अपने विचार करना है, किस प्रकार आपको सक्सेस मिलेगा। वो व्यक्ति आपको बताएगा कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और मैं ये क्वेश्चन नहीं बना पाया तो इस टॉपिक से कैसे उसको अध्ययन करें। यह आप देखिए नेगेटिव विचार बहुत लोगों में आता है, लेकिन नेगेटिव नहीं रखना है आपको, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। पॉजिटिव, हमको इस जॉब को निकालना है, मतलब निकालना है, और कोई वैकेंसी आए या ना आए, जिस वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं उसको सबसे पहले फोकस करना है। हाँ हासिल वाला ना कि मैं उस चीज़ को फोकस करूँगा और नहीं, ये नहीं तो वो नहीं। अगर इसमें आप नहीं हो पाए, असफल हो गए, कोई बात नहीं, एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। जो एग्जाम आता है व्यापम में, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एक बार उसको उस पर जीवन निछावर कर दीजिएगा। वहाँ पर अपने जितना समय दोगे उतना ज़्यादा आपका निखार आएगा अपने जीवन में। पढ़ाई जितना ज़्यादा करोगे, जितना ज़्यादा आप उस चीज़ पर फोकस लगाओगे, कर्म बोलते हैं ना, कर्म की वापस लौट कर आता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलता है। तो आपका काम का है कर्म करने का, जितना हो सके आप पढ़ाई करो, रिविजन करो, उसका कर्म एक ना एक दिन आपको अवश्य मिलेगा।
तो मैंने आपको बताया कि अंतिम 2 महीने में कैसे तैयारी करना है, तो सबसे पहले किस चीज को फोकस करना है, तो सबसे पहले आपको मैथ्स, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा बाल मनोविज्ञान, सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ हिंदी, इंग्लिश 55 नंबर का है और करंट अफेयर 5 नंबर का। ठीक है, तो इधर उधर आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए कहीं यूट्यूब से, और हमारी क्लासेस में कंप्यूटर की क्लास है जो रिविजन है, आप जाके प्ले लिस्ट पर आप देख सकते हैं, पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ पर डाउट होता है तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, डेली हम शॉर्ट्स वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें पूरा कंप्यूटर का अपडेटेड रहेगा, मैथ्स का रहेगा, पूरा शॉर्ट्स वीडियो में पूरा भरपूर आपको मिलेगा शॉर्ट्स वीडियो, जो आपको कंप्यूटर का प्रैक्टिस रहेगा, जितना भी एग्जाम है प्रीवियस वर्ष में पूछे गए वही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, तो आज के लिए फिर इतना ही, नमस्कार।